पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न जगहों पर स्वतंत्रता दिवस बड़े जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह एमए स्टेडियम जम्मू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान ही पुलिस, सीआरपीएफ, आईआरपी के जवानों, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया। समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसके बाद सलाहकार ने परेड का निरीक्षण भी किया। डेकोरेशन, पब्लिक वर्क्स, रोड एंड बिल्डिंग, जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट, एनिमल हस्बेंड्री, राजस्थान की ओर अग्रसर परेड कमांडर ने बड़े ही आकर्षक अंदाज में और ठीक उनके बीच परेड डिप्टी कमांडर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सनिया अशोर वानी सलामी मंच कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक, बटालियन गायना सिंह मैडम ठाकुर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सामने से और आईआरपी की 8th बटालियन का दीयम ब्रह्मचारी। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।